मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में जो चंद्र ग्रहण 27 जुलाई 2018 को हुआ, वो माना जा रहा है कि 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और साइंस के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात साबित हो सकती है। तो आइए चांद से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो नासा ने अपने सैटेलाइट द लूनर रिकॉन्साइंस ऑर्बिटर से शेयर किया है, जिसको इसे 18 जून 2009 में चांद पे भेजा गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश और मॉडर्न बाबा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साइंटिस्टों का मानना है कि अगर चांद नहीं होता तो धरती पर मानव का उपज ही नहीं होता, क्योंकि चांद ही है जो धरती पर समुद्री ज्वार भाटा को कंट्रोल करता है, यानी कि धरती पर टाइड्स ही प्रोड्यूस नहीं होते। अगर टाइड्स प्रोड्यूस नहीं होते तो धरती और समुद्र के बीच जो पोषक तत्वों का आदान प्रदान है वो काफ़ी स्लो हो जाता। उसी की वजह से मानव जाति इवोल्यूशन की जिस स्थिति पर है वो कभी पहुँच ही नहीं पाता। ऐसे में चांद पर पानी का खोज एक बहुत बड़ा विषय है, जो हमें नासा के द्वारा 2009 में जो सैटेलाइट भेजा गया था उसके थ्रू पता चला। नासा के एक प्रोजेक्ट के द्वारा पता लगाया गया पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया गया है, ये तरल फॉर्म में नहीं पाया गया है। और खोज से ये पता चला कि ये जो पानी है वो हीलियम, आर्गन और नियॉन गैसेस से बने हुए। हो सकता है अमेरिकन साइंटिस्ट को ये बात आज पता चली हो कि चांद का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में चांद का प्रभाव हजारों सालों से पता है। इसीलिए चांद एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये चांद आया कहाँ से, थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच एक भीषण टकराव हुआ था, और भीषण टकराव के बाद जो एक मलबा बचा था वो चांद बना। अब सवाल ये पैदा होता है कि थिया क्या होता है। तो थिया एक मार्स के आकार का एक एलिमेंट है। अब चांद जब बन गया तो साइंटिस्टों ने वहाँ पर अपना एक सैटेलाइट रिसर्च करने के लिए भेजा। तो रिसर्च से पता चला कि वहाँ पर दो बड़े बड़े साइज के गड्ढे हैं। गड्ढा 130 मीटर चौड़ा है। अब ये गड्ढे बनने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जमीन के अंदर कोई वॉल्केनिक ट्यूब फट गया हो, जिसकी वजह से गड्ढा पैदा हो सकता है। दूसरा ये कि कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड आके वहाँ पर टकरा गया हो, तो उस वजह से गड्ढा हो सकता है। अब कारण कुछ भी हो, चूंकि गड्ढा एक वॉल्केनो के बाजू में स्थित है, तो हो सकता है कि वो गड्ढा जमीन के अंदर से ही पैदा हुआ हो। अब आइए जानते हैं एक दिन का मतलब क्या होता है। पृथ्वी में एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, और इसी 24 घंटे में एक दिन की वजह से साल में 365 दिन बनते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि अगर चांद नहीं होता तो हमारा एक दिन जो होता वो सिर्फ 6 से 12 घंटे का होता, और इस वजह से जो एक साल में हमारा 365 दिन होता है वो एक साल में 1000 से 1400 दिन का हो जाता। नासा द्वारा भेजे गए सैटेलाइट में एक ऐसा यंत्र लगा हुआ है जो चांद का टेम्परेचर बताता है। वो सैटेलाइट चांद के साउथ पोल पर जाके लैंड किया हुआ है, और वहाँ से भेजे गए रिपोर्ट के मुताबिक चांद का जो टेम्परेचर है -248 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्लूटो से भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। देखा जाए तो प्लूटो का सबसे ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी में वही है। प्लूटो का टेम्परेचर है -184 डिग्री सेल्सियस। चांद में जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा अस्थिर है, जिसकी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम बहुत बड़े बड़े धूल के गुब्बारे उड़ते हैं। इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पार्टिकल्स के चार्ज होने की वजह से ही हो सकता है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी वाले चांद का एक साइड देख ही नहीं पाते। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये धरती है और ये चांद है, तो चांद ऐसे रोटेट करता है। इससे ये होता है कि चांद का हमेशा एक ही फेस धरती के सामने रहता है, और एक फेस हमेशा धरती के अपोजिट दिशा में रहता है, जिसकी वजह से दूसरा साइड इंसान कभी देख ही नहीं पाता। और इसी विषय पर ट्रांसफार्मर का एक पार्ट बेस्ड है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है कि अगले साइड पे एलियंस ने अपना बेस बना के रखा हुआ। खैर, ये हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, हम आगे देखते हैं। नासा ने जो अपना सैटेलाइट भेजा हुआ है द लूनर रिकॉन्साइंस ऑर्बिटर, उसने हमसे तस्वीर शेयर की है जिससे हमें पता चला है कि मून में ज़्यादातर प्लेट्यू वाले रीजन्स जो है वो रेड कलर के हैं, और ब्लू कलर के बहुत ही कम प्लेट्यू वाले रीजन्स हैं। चांद में लगातार टेम्परेचर ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत ही कम हो जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से वहाँ पर हवा और उल्का पिंड के आने का खतरा बना रहता है।
और इसी मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से वहाँ का बादल हमेशा काला दिखता है और चांद में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर सूरज की रोशनी हमेशा पड़ती रहती है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि चांद पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और ऐसा लगातार 50 अरब साल तक होता ही रहेगा। पृथ्वी की परिक्रमा चांद 28 दिन में लगाता है, वो उस समय 47 दिन में लगाए, और यही कारण है कि चंद्र ग्रहण हर साल लंबा होता जा रहा है। दोस्तों ये तो हो गई बहुत सारी बात, अब और चांद के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। दोस्तों इंटरनेट की स्पीड का प्रॉब्लम इंडिया में एक आम बात है जो कि जियो के आने के बाद से काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप और अच्छे हाई स्पीड इंटरनेट का मज़ा लेना चाहते हैं तो चांद में जाकर 19 Mbps इंटरनेट वाईफाई का मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नासा ने अभी अभी एक 19 Mbps वहाँ पर वाईफाई लगाया है जिसका मज़ा आप वहाँ पर ले सकते हैं। चांद के बारे में एक और बात हम सब तो जानते ही हैं, जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि चांद में जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि वहाँ पर जितना भी वजन हमारा धरती में होता है उसका 1/6 वेट हमारा चांद में होता है। इसीलिए हमने कई सारे फिल्मों और वीडियोज़ में देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर जाते हैं तो बहुत मज़े से उछलते कूदते रहते हैं। सपोज़ आपका वज़न 60 किलो है तो वहाँ पर 10 किलो ही रहेगा आपका वज़न, और जब आप एक बार कूदेंगे तो आप लंबी छलांग लगा सकते हैं। अभी तक चांद में 12 लोग ही पहुँच पाए हैं। आखिरी बार जिन्होंने चांद पर कदम रखा था वो थे यूजीन कर्नान, जो कि अपोलो 17 मिशन में गए थे, और उसके बाद से जो भी चांद में कदम रखा है वो रोबोट्स ही हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि चांद में 96% सोलर विजिबिलिटी है, यानी कि साल के 243 दिनों में ही वहाँ पर उजाला रहता है और रात वहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। 1950s में अमेरिका ने यह प्लान बनाया कि वह चांद में एक न्यूक्लियर हमला करेगा। वो तो शुक्र है कि वो हमला कभी सफल नहीं हो पाया। उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम A119 दिया गया था। ये हमला इस वजह से था ताकि वो रशिया को अपना एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रूफ दे सके। रशिया ने पहले ही एक सैटेलाइट भेज के, स्पुतनिक 1 नाम का एक सैटेलाइट भेज के यह प्रूफ कर दिया था कि वो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है। पूरी दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां चांद पर टूरिज्म को लेके बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर स्पेस टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं या फिर स्पेस टूरिज्म के बारे में अपना कोई व्यू है तो हमें कमेंट पर बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वर्ल्ड के बारे में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हमारे भारत देश के लोगों को हिंदी में जानकारी मिल सके, और ऐसे ही रोमांचक और अच्छे खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।